नमस्कार, इस वक्त हम हैं इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में। और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में लगातार जो डॉलर चने की आवक है वो लगातार बढ़ रही है। चूंकि यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर के आसपास जो चना होता है उसमें डॉलर अधिक मात्रा में होता है। यही कारण है कि डॉलर चने की जो आवक है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। चने के व्यापारी हमारे साथ सुलभ जी, उनके पास सीधे चलते हैं, जानते हैं कैसे डॉलर चने की आवक अब की बार है और क्या कुछ संभावनाएं डॉलर चने के व्यापार को लेकर व्यापारी जता रहे हैं। सुलभ जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इंदौर और आसपास के क्षेत्र से जो डॉलर चना है वो काफी मात्रा में होता है, पूरे देश की नजर हमारी तरफ होती है, क्या लग रहा है आपके बाद डॉलर चने की स्थिति किस तरह की रहने वाली है? डॉलर चने की क्रॉप तो बहुत अच्छी आई है। थोड़ा सा यील्ड का इश्यू आ रहा था, किसान कह रहे थे कि तो उपज कम बैठ रही है, पर ओवरऑल जो रकबा बढ़ा था काबली का, उस हिसाब से काबली चना का उत्पादन बहुत अच्छा है। MP में बहुत अच्छा उत्पादन है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा उत्पादन है। अब की कई नए राज्यों में काबली चना बोया गया जहाँ उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है, जिसमें गुजरात विशेष तौर पर और आंध्र प्रदेश वगैरह में भी काबली चना काफ़ी अच्छा हुआ है। भविष्य में काबली चने में ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखती है। जो बाज़ार अभी चल रहे हैं यहाँ से बाज़ार कुछ भी 200-300 रुपये घट सकते हैं, क्योंकि काबली चना का व्यापार पूरा चलता है एक्सपोर्ट की डिमांड पर। एक्सपोर्ट की कोई अभी हाल विशेष डिमांड नहीं है। जो मोमिडन देशों में काबली चने का सप्लाई होता है रमजान के महीने में, वो रमजान का महीना भी निकल चुका है, छुटपुट एक्सपोर्ट की डिमांड्स चल रही है। इससे मोटे मालों में तो विशेष कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बाकी जो काबली में बारीक माल आते हैं उनमें बाजार काफ़ी टूट चुके हैं और मोटे मालों बारीक मालों में डिफरेंस काफ़ी कुछ बढ़ चुका है। और यदि बात करें तो हमारे पास किस तरह की डिमांड वर्तमान में हो रही है और आने वाले समय में हम क्या कुछ संभावनाएं काबली चने को लेकर के जता रहे हैं? काबली चने में अभी हाल सिर्फ खेरची की डिमांड है, मतलब लोकल कंजम्पशन जो होता है उसकी डिमांड है, और एक्सपोर्ट में डिमांड छुटपुट जो आती है वो है। अभी बीच में कहीं फॉरेन से कुछ डिमांड आई थी तो उस टाइम पर बाजार थोड़े से बढ़ गए थे, बाकी कहीं ना कहीं काबली चने में और आज की तारीख में हम बात करें तो 200-300 रुपए की मद्दी का व्यापार आज हुआ है और कहीं भी कंटेनर वगैरह के रेट भी 200-300 रुपये के कम आए हैं। भविष्य में काबली चने में ज़्यादा हम तेज़ी की उम्मीद अगर करें तो वो समझना थोड़ा सा गलत रहेगा, पर काबली चना कहीं भी 10,500 से 11,000 रुपये के भाव में सस्टेन करता है तो ये लंबे टाइम तक इस भाव पर टिका रहेगा। और यदि हम काबली चने का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें सर्वाधिक जो नज़र होती है वो भी हमारी तरफ होती है, क्या लगता है यदि एक्सपोर्ट होता है तो काबली चने में कोई सुधार आने की संभावना? अगर एक्सपोर्ट में डिमांड निकलती है तो काबली चने में बिल्कुल बाज़ार बढ़ेंगे, और जो मोटे माल और बारीक माल में भाव का अंतर आता है वो कहीं ना कहीं बाज़ार रुकेगा। और अगर एक्सपोर्ट में डिमांड नहीं आती है तो आप ही मान के चलिए कि इसमें जो बारीक माल है वो कहीं ना कहीं बाज़ारों को दबाएगा और उस कारण से बाज़ार को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि काबली में अगर एक्सपोर्ट की डिमांड आती है तो बाज़ार कुछ चल पाएगा, अदरवाइज 10,500 से 11,000, 11,200 के बीच में बाज़ार यहीं के ही बाज़ार घूमता रहेगा। यदि हम बात करें तो दूसरे राज्यों के काबली चने में या दूसरे जिलों के काबली चने में और इंदौर के काबली चने में क्या डिफरेंस है, क्यों हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी है और सबसे ज़्यादा डिमांड हमारी है? हमारे यहाँ पे काबली चने का दाना काफ़ी बोल्ड आता है और विशेष तौर पे निमाड़ पट्टी में जो काबली होता है वहाँ नर्मदा का पानी, नर्मदा मैया की देन जो रहती है उनको, उससे काबली का दाना भी अच्छा भराता है। काबली चना सफ़ेद बहुत होता है और यूँ भी एक्सपोर्ट में जो डिमांड रहती है वो सफ़ेद मालों की काफ़ी रहती है, इसलिए हमारे MP का काबली चना वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी फेमस है और काफ़ी डिमांडिंग में रहता है। और यदि हम बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल व्यापार किस तरह का रहा और आने वाले दिनों में हम क्या संभावना जता रहे हैं? पिछले साल जिस जो भाव चल रहे थे वही भाव अभी चल रहे हैं काबली में, पर देखा जाए तो पिछले साल एक तेज़ी की राह हमको दिख रही थी कि बाज़ार तेज हो जाएगा, बट अब की बार इसमें का कोई विशेष कोई प्रोस्पेक्टस तैयार नहीं हो पा रहा है। हाँ, अगर कहीं एक्सपोर्ट में माल की डिमांड आती है तो ज़रूर काबली चने में तेज़ी बन सकती है, अदरवाइज बाज़ार एक सीमित मात्रा में चलता रहेगा। और यदि हम बात करें तो काबली चने, अब चूंकि वैवाहिक सीजन समारोह सीजन खत्म हो गया है लेकिन थोड़े दिन बाद त्यौहार का समय आएगा, फिर वैवाहिक सीजन शुरू होगा, तो क्या लगता है ऐसे में जब भविष्य के व्यापार को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं लाल हमको काबली चने की डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है? उस समय भी मैं आपको कह रहा हूँ जो बारीक मालों में अभी डिफरेंस चल रहा है 2,000 रुपये का मोटे मालों बारीक मालों में, तो कहीं भी बारीक मालों में जो ये 2,000 का डिफरेंस है ये घट के कहीं भी 1,000-1,200 रुपये के आसपास का रह जाएगा, और 200-300 रुपए की तेज़ी मद्दी काबली चने में कोई विशेष मानते नहीं है। इस हिसाब से अपने लोकल कंजम्पशन के हिसाब से बाज़ार में कोई लंबी तेज़ी की उम्मीद हमको दिखती नहीं है। हाँ, सिर्फ काबली में सबसे ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद जब ही आती है जब हमें कहीं भी एक्सपोर्ट की डिमांड आती है। तो अनुभवी व्यापारी हैं आप, कहाँ तक उम्मीद हम और कहाँ तक संभावना हम जता सकते हैं व्यापार अब की बार दाम जो है काबली चने के जाने? काबली चना अगर कहीं भी 10,500 का लेवल अगर नहीं तोड़ता है नीचे में
तो काबली चना 11,500-12,000 रुपए तक हो जाएगा। अगर कभी काबली चने ने 10,500 का लेवल तोड़ा तो 10,000 रुपए के आसपास इसके बाजार हमको देखने को मिलेंगे। और एक्सपोर्ट की डिमांड अगर कहीं बारिश के सीजन में हमें मिलती है तो कहीं भी हमको काबली चना 12,000-13,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर तो काबली चने के व्यापारी थे सुलभ जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाले जो समय में काबली चने के दाम है वो 12,000 और 13,000 रुपए तक पहुंचने की संभावना है। साथ ही साथ यदि एक्सपोर्ट बढ़ता है तब भी जो है दाम लगातार काबली चने के बढ़ेंगे और अब की बार हो सकता है कि काबली चना एक नई ऊंचाइयों को छू जाए। इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन मटके।